नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव को, और आज हम बात करेंगे उस विवाद पे जो थोड़े हफ्ते दो हफ्ते पहले एकदम से सुर्खियों में आया था, लेकिन फिर जैसे से चीन के साथ मामला गर्म हुआ सरहदों पे लद्दाख रीजन में, ये थोड़ा नेपथ्य में चला गया। लेकिन इसका महत्व, इस मुद्दे का भारत की कूटनीति, हमारे स्ट्रेटेजिक कंसर्न, हमारी विदेश नीति के हिसाब से उतना ही अहम और महत्वपूर्ण है, हम तो किसी तरह से नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ भारत नेपाल विवाद की, किस तरह से नेपाल मैप्स को रीड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है। उनके पार्लियामेंट ने एक बिल पारित कर दिया, मतलब एक तरह से रेजोल्यूशन पारित कर दिया है कि वो भारत के तीन जो एरियाज हैं, काला पानी, लिम्पू लेक और लिम्पिया धुरा, आई एम गेटिंग इट राइट, इन पे अपना वो आधिपत्य बता रहे हैं। और उसके साथ साथ एक अचानक पिछले 10-20 साल से हमने देखा भारत नेपाल संबंध उतने मधुर नहीं रहे हैं, लेकिन ये एक अलग जोन में जैसे चली गई है भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों की बात। तो मेरे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं वन ऑफ इंडियाज मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमैट्स, जो साउथ एशिया को बहुत बारीकी से, नजदीकी से देखा है। अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रह चुके हैं, नेपाल में रह चुके हैं, और ऑफकोर्स ऑन अ वर्ल्ड स्टेज बिगर कैपिटल्स लाइक पेरिस में भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं एज एन एम्बेसडर। तो मेरे साथ है राकेश सूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बिना ज्यादा भूमिका किए, भारत नेपाल विवाद क्या है, क्यों है, कैसे हो रहा है, ये सब प्लीज थोड़ा बताएं। देखिए, अगर हम भारत नेपाल रिश्तों की बात करें, तो आपने जैसा आपने अपनी भूमिका में बताया कि हमारे रिश्ते बहुत नजदीकी रिश्ते भी हैं, और जहां जहां देखिए रिश्ते नजदीकी होते हैं वहां वो थोड़े पेचीदा भी होते हैं। ये मेरे ख्याल से एक उसूल है, और ये हम आपसी रिश्तों में भी देखते हैं और जो देशों के रिश्ते हैं उसमें भी ये देखा जाता है। अब जाहिर है कि साउथ एशिया में, दक्षिणी एशिया में भारत सबसे बड़ा, पॉपुलेशन के लिहाज से, एरिया के लिहाज से भारत सबसे बड़ा मुल्क है। भारत के जितने पड़ोसी हैं वो, उनका बॉर्डर सिर्फ भारत से ही लगता है और किसी मुल्क से नहीं लगता। मान लीजिए जैसे आप नेपाल लें, नेपाल का बॉर्डर सिर्फ भारत से लगता है, बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ भारत से लगता है, भूटान का बॉर्डर सिर्फ भारत से लगता है। तो ये एक इसमें, और जो जो देश भारत के मुकाबले में, जो अगर साइज में छोटा है या पॉपुलेशन के मुकाबले में या जो भी है, तो वहां पर थोड़ा सा उनको सॉवरेंटी यानी संप्रभुता की बात जो है वो थोड़ी जल्दी, वो फटाफट जहन में आ जाती है, और एक अपनी अपना एक अस्तित्व बनाने के लिए वो जो देश है वो बहुत जल्दी संप्रभुता का दावा करने लग जाते हैं। हर चीज पे उनको लगता है कि उनको संप्रभुता का, सॉवरेंटी का दावा करना आवश्यक है। तो ये मैं सिर्फ बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर हम देखें कि हमारे जो नजदीकी रिश्ते हैं वो क्यों इस समय कठिनाई में हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक समझ जो है, ये इसको पकड़, इसकी पकड़ के लिए बहुत अनिवार्य है। अब हम आते हैं ये काला पानी का जो मुद्दा है, जिसके ऊपर नेपाल ने, अब नेपाल की पार्लियामेंट जो है उन्होंने बिल जो है उसको एडॉप्ट कर लिया है, उसके ऊपर उनके राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए हैं और उन्होंने अपने संविधान में उसका संशोधन कर दिया है। यानी जो नया नक्शा उन्होंने पारित किया है वो अब उनके संविधान का हिस्सा बन चुका है। अब जाहिर है कि ये जो इलाका है, जैसा भारत के प्रवक्ता ने कहा, ये इलाका जो है ये भारत का इलाका है, तो उसके बावजूद अगर एक जो एक, मैं समझता हूँ जो एक परसेप्शन के अंदर जो एक फर्क था, क्योंकि ये काला पानी के मुद्दे पे हमारी बातचीत करीब पिछले 20 साल से हो रही थी, बातचीत आगे नहीं बढ़ी थी, ये सही है, और शायद बातचीत पिछले कुछ सालों में हो नहीं पाई थी। हालांकि हमने आश्वासन दिया था
नेपाल को कि हम ये बातचीत आगे बढ़ाएंगे, पर पिछले कुछ सालों में ये बातचीत आगे बढ़ी नहीं थी और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो गई पिछले कुछ महीनों में और नेपाल को लगा कि शायद ये हमारी नीयत नहीं है बातचीत करने की और इसलिए हम बातचीत टाल रहे हैं, और उन्होंने एक तरह से अपना एक निर्णय ले लिया और इसके पीछे शायद उनकी कुछ प्राइम मिनिस्टर ओली जो हैं उनकी शायद कुछ अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की भी कुछ मजबूरियां थी, तो उनको लगा कि वो मजबूरियों को हल करने के लिए भी शायद मैं ऐसा निर्णय पार्लियामेंट में ले लूं, और तो ये सब करते करते वो कुछ अब बात इस हद तक पहुंच गई कि क्योंकि उन्होंने अब अपना संविधान भी संशोधन कर लिया तो अब जाहिर है कि अब बातचीत कैसे की जाए। बिल्कुल, अब बातचीत करने के लिए जी जी आपको यहाँ पे रोकूं सर कि भारत कहता है स्काई चिन्ह हमारा है, भारत कहता है पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो हमारा है, हमारा पार्लियामेंट उस बारे में रेजोल्यूशन पास कर चुका है, तो ये तो नेपाल ने उसी तरह से कर दिया जैसे भारत रेजोल्यूशन पास कर कहता है ये हिस्से हमारे। दूसरा पैरेलल अगर मैं ड्रॉ करूं कि आपने कहा कि ये 20-25 साल से बातचीत चल रही है भारत और नेपाल के बीच में, उसी तरह से 20 साल से भारत और चीन के बीच में बातचीत चल रही है कि LAC निर्धारित हो कुछ, वहां चीन हमारे साथ तैयार नहीं होता बातचीत करने के लिए, यहाँ हम काठमांडू के साथ बातचीत करके 20 साल से टाल रहे हैं, तो ये बड़े स्ट्रेंज आपकी बात से नहीं, मुझे नहीं, संजीव जी नहीं आप इस मैं गलत दिशा में भटक रहा हूं, मैं चाहता हूँ आप मुझे सही दिशा में ले जाएं। नहीं मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप अगर एक सतही तौर पर देखें, एक सुपरफिशियल लेवल पर देखें तो ठीक है हमारे यहाँ बाउंड्री डिस्प्यूट है पाकिस्तान के साथ, POK पाकिस्तानी कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, हमारा चीन के साथ भी एक बाउंड्री डिस्प्यूट है अक्साई चीन, और चीन का ये मानना है कि अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत दक्षिण तिब्बत है, तो पर एक बात याद रखिए चीन के साथ हमारी लड़ाई हो चुकी है, पाकिस्तान के साथ एक बार नहीं वो एक से ज्यादा बार हो चुकी है, नेपाल के साथ हमारा एक ओपन बॉर्डर है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट का मतलब बहुत फर्क हो जाता है, तो आज भी नेपाल के साथ हमारा ओपन बॉर्डर है, यानी ऐसा बॉर्डर जहां पर हमको एक दूसरे के देश में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है, हम लोग आइडेंटिटी कार्ड के बेसिस पे एक दूसरे के देश में जा सकते हैं, नेपाली नागरिक जो हैं वो भारत में आकर उनको भारतीय नागरिक के बराबर में वो नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो नेपाली नागरिक जो हैं वो भारत में आकर NDA का इम्तिहान देते हैं, हमारी फौज ज्वाइन करते हैं, वो हमारे यहाँ आकर UPSC यानी सरकारी नौकरी का इम्तहान देते हैं, और सिवाय IAS IPS और फॉरेन सर्विस के इन तीन नौकरियों को छोड़कर वो किसी भी नौकरी के लिए UPSC का इम्तहान दे सकते हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर बन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर वो बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, तो बहुत अंतर है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ सर, मैं शायद अतिशयोक्ति कर रहा था, एग्जैजरेट कर रहा था अपना जो एक आम भारतीय के मन में आज इस भारत नेपाल विवाद को लेके जो एक तनाव है उसको लग रहा है कि कमाल है, नेपाल के लोगों ने ही भारत की सीमा पे गोली चला दी, नेपाल ने ही 22 जून सोमवार के दिन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक एम्बैंकमेंट जो बनाने की कोशिश थी लाल बेकी रिवर पे, वो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के बिहार कर्मचारी को रोक दिया 22 जून सोमवार, यानी आज के दिन ही नेपाल की एक पार्लियामेंट्री पैनल ने प्रस्ताव कहा है, प्रपोजल सा दिया है कि भाई कोई अगर नेपलीज नॉन नेपलीज वुमेन कोई नेपलीज नेशनल से शादी करती है, अब भारतीयों के अलावा और कितने बेटी का रिश्ता और किसके साथ है राजनाथ सिंह जी ने कहा, तो उसको 7 साल इंतजार करना पड़ेगा वहां की नागरिकता मिले उसके, तो ये सारी बातें जिसको हम कल्चरली इमोशनली एकमात्र ओनली हिंदू किंगडम इन द वर्ल्ड नेशन इन द वर्ल्ड
आज हमारी उसके साथ ऐसे ऐसी बातचीत की स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई? देखिए, मैंने आपसे अभी शुरू में क्या कहा, पहले तो ये जो नागरिकता का जो मुद्दा है, ये एक उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, तो इसलिए आप उसको इधर से सिर्फ इसलिए मत, इस नजर से मत देखिए कि वो क्योंकि हमारे यहाँ उनका रोटी बेटी का रिश्ता है तो ये भारत से एक तरह से जुड़ा हुआ है, ये उनके अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मुद्दा है। क्योंकि अक्सर ये जो शादियां होती हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा, ये सिर्फ मधेस आपके सुनने वाले जानते हैं, मधेस का जो इलाका है जो यूपी बिहार के साथ जो लगता है नेपाल का इलाका, ये सिर्फ ये कम्युनिटी में नहीं होता है, पुराने जो उनके रूलिंग क्लासेस हैं राणाज वगैरह, उनकी भी कई लोगों की शादियां, करण सिंह जी की जो पत्नी थी वो नेपाल से थी, तो इसलिए अभी भी आई थिंक सम ऑफ द सिंधियाज आर आल्सो मैरिड इनटू नेपालीज रॉयल फैमिली। बिल्कुल, सिंधियाज का भी रॉयल फैमिली से है, और भी हिमाचल के कई रॉयल फैमिलीज का है, बुलंदगीर की रॉयल फैमिलीज का है, तो इसलिए कई जगह से ये लिंकेजेस हैं। पर मधेश के जो लोग हैं, क्योंकि उनको नेपाल की राजनीति में अभी भी वो अपने पूरे अधिकारों के लिए एक तरह से जूझ रहे हैं, और शायद आपके सुनने वालों को ये मालूम ना हो कि 1956 तक जो तराई के जो मधेश के लोग थे उनको काठमांडू में एंटर करने के लिए एक तरह से वीजा लेना पड़ता था, परमिट, एक तरह से परमिट लेना पड़ता था, तो इसलिए ये एक वहां के अंदरूनी पॉलिटिक्स का एक मामला है, और ये उससे उनकी ये नागरिकता का जुड़ा हुआ है। अब तो इसलिए उसमें उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा, और जहां तक वो आपने जो गोली मारने का जिक्र किया, मैं आपके सुनने वालों को एक बहुत संजीदगी से और बहुत सीरियसनेस से कहना चाहूंगा कि इसको आप काला पानी के साथ ना जोड़ें, क्योंकि जब से ये कोरोना का दिक्कत हुई है तब से बॉर्डर पर लॉकडाउन है, नेपाल का बॉर्डर जो है वो लॉकडाउन में है, तो इसलिए वो जो रोजमर्रा का आना जाना था, जो सीतामढ़ी का बॉर्डर या चंपारण का बॉर्डर, और मतलब जहां ये जो बॉर्डर के जिले हैं जहां यहाँ पर रोजमर्रा का आना जाना था, वो आजकल लॉकडाउन की वजह से बंद हुआ हुआ है। अब जैसे कुछ दिन पहले तक दिल्ली से गुड़गांव का बॉर्डर बंद था, दिल्ली से नोएडा का बॉर्डर बंद था, तो उसी तरह ये दोनों सरकारों की ओर से बॉर्डर बंद हुआ हुआ है। अब वहां के लोगों को एक तरह से आदत पड़ गई है, जैसे जैसे यहाँ पर दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर हम रोज अखबार में देख रहे थे कि वो पुलिस वालों के साथ लोग बहस कर रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, तो उसी तरह वहां पर वो दिक्कतें खड़ी हो रही थी, क्योंकि कुछ लोगों के रिश्तेदार उधर हैं या कुछ लोगों का बिजनेस का जो बिजनेस की जगह या कोई खेत है। तो हम वापस से काला पानी पे लौटते हैं जहां से हमारी बात शुरू हुई, कि जो चीज वर्चुअली अर्ली 19th सेंचुरी 1817-16 कोई ऐसे साल में ट्रीटी हुई थी पहली नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, उसके बाद से जो लगभग अब तक सेटल मानी जा रही थी 20 साल पहले, उस पे ऐसी क्या दबाव बन गया काठमांडू पे, या ऐसा क्या उतावलापन उन पे सवार हुआ कि आनन फानन में उनने संसद में बिल ही पारित करके राष्ट्रपति का ठप्पा भी लगवा लिया अपने, और हमसे अब कह रहे हैं बात कीजिए, तो अब क्या बात करने को बचा है, जैसे आप स्वयं कह रहे हैं। ये एक आप सही कह रहे हैं, ये एक दुविधा है, वो जो उन्होंने खुद ही एक तरह से अपने लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई जो है वो पैदा कर ली है। 1816 में देखिए, नेपाल राष्ट्र जो था वो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी नॉर्थ इंडिया में उनका राज था, तो नेपाल जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनकी लड़ाइयां हो रही थी, और उस वक्त नेपाल ने काफी सारा जो कई सारे जो छोटे छोटे राजा थे भारत आज जो इंडिया में आते हैं उन सबको उन्होंने
हरा कर उनकी टेरिटरी को कब्जा कर लिया था। तो यानी नेपाल का जो, जिसको वो ग्रेटर नेपाल कहते हैं, वो सतलुज से लेकर उसमें हिमाचल उत्तराखंड वगैरह के बहुत सारे हिस्से थे, और वहां से लेकर वो तीस्ता तक, सिक्किम वगैरह भी उसका हिस्सा था, उससे आगे तीस्ता तक उनका कंट्रोल था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका विरोध किया, लड़ाई हुई, एंग्लो नेपाल वॉर के नाम से जानी जाती है 1814 में, और उसके पश्चात एक संधि हुई और नेपाल की बाउंड्री तय की गई। ये 1816 की ट्रीटी है, और इस बाउंड्री के, इस जो संधि है उसके अंदर नक्शा नहीं लगा था, उसमें केवल इतना कहा था कि पश्चिम, पश्चिम की ओर जो काली नदी है वो इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया की और नेपाल की बाउंड्री। अब काली नदी तो ठीक है, पर जैसे जैसे आगे, उस समय नक्शा लगा भी नहीं था, और ना इस ट्रीटी, इस संधि के अंदर कहीं का कोई वो लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड या कोऑर्डिनेट्स नक्शे के, ना ही उनका कोई जिक्र था। अब ये इलाका काफी पहाड़ी इलाका है, 15,000-14,000-16,000 फुट की ऊंचाई का, यहाँ ज्यादातर लोग रहते भी नहीं है, गर्मियों में कुछ लोग ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, तो ये इसी तरह रहा। कुछ सालों के बाद उन्होंने तय किया कि वो काली नदी जो है, वो एक जगह तक तो काली नदी दिख रही है, पर गर्बेयांग गांव है एक बॉर्डर पर, आप वहां पर आए तो आप देखते हैं कि वहां पे 3-4 छोटी छोटी नदियां आकर मिल रही हैं, और उसके बाद उसका नाम नीचे काली नदी रखा जाता है, और जैसे जैसे वो और उसका पानी बढ़ता जाता है उसका नाम महाकाली हो जाता है, और कुछ इलाकों में उसको शारदा नदी भी कहा जाता है इंडिया में। तो खैर, वो गर्बेयांग गांव से जहां पर ये 3-4 छोटी छोटी नदियां आकर मिल रही थी, अब उसमें से कौन सी वाली को हम काली का नाम दें, क्योंकि संधि केवल इतना कहती है कि काली के पूरब की जो टेरिटरी है वो नेपाल है, और काली के पश्चिम की जो टेरिटरी है वो इंडिया है। अब अगर आप कोई नक्शा दिखा सकें जो तो मैं आपको कहूंगा कि क्योंकि ये जो 3-4 छोटी छोटी नदियां आ रही हैं, कोई उत्तर से आ रही है, कोई पूरब से आ रही है, कोई पश्चिम से आ रही है, तो अगर आप पश्चिम वाली ले लेंगे और उसको काली बना देंगे, तो नेपाल ने उसी को काली बनाकर वो लिम्पिया धूरा लिपू लेक और काला पानी इस सब को कहा कि ये सब पूरब में आता है तो ये नेपाल का हिस्सा है, अगर आप किसी और को लेंगे तो उस हिसाब से होगा। अब सवाल ये आता है कि अंग्रेजों ने उस समय, ये 19वीं सदी की बात है, उनके 2-3 सर्वे हुए, हर सर्वे के बाद नक्शा बदलता रहा, और 1889 में जो सर्वे हुआ उसके अनुसार ये काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धूरा तीनों हिंदुस्तान में पड़ते। नेपाल ने कभी उन दिनों तो कोई इतराज किया नहीं, और 1923 के बाद जब उन्होंने, अब तक 1923 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो चुकी थी, ब्रिटिश राज था हिंदुस्तान में, ब्रिटिश इंडिया थी, वाइस रॉय था, तो जब 1923 में उन्होंने नए नक्शे छापे तो वो नए नक्शे ये 1889 के अलाइनमेंट के अनुसार छापे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हमको वही नक्शे हमको अपनी विरासत के तौर पर मिले, और नेपाल के साथ तो कभी इसके ऊपर कोई बातचीत हुई नहीं, वो नक्शे उनको भी मंजूर थे, हमें भी मंजूर थे। 1996 में हमने आपस में एक काली रिवर, महाकाली के ऊपर एक संधि की, महाकाली ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, उसमें ये था कि ये वहां एक बहुत बड़ा, हम उस समय ये सोचा था मल्टीपर्पज हाइडल प्रोजेक्ट बनाएंगे, 5-6 हजार मेगावाट की बिजली का उत्पादन होगा, इरिगेशन होगा और वो सब, वो तो अभी हुआ नहीं है, पर वहां से एक तरह से ये दोबारा से हुआ शुरू कि ये काली नदी आगे ऊपर जो जाती है तो इसकी बाउंड्री किस तरफ जाती है,
उस समय हमने यही कहा कि ठीक है अगर आपको कुछ लगता है तो इसके ऊपर हम बातचीत कर लेते, क्योंकि दो पड़ोसी मुल्क जिनके आपस में ओपन बॉर्डर का रिश्ता है, बहुत नजदीकी रिश्ता है, वो बातचीत ही करके कोई चीज का समाधान करेंगे। बातचीत हुई, उसके ऊपर कुछ बात आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि उनका कहना था कि अगर आप इसको भी लेकर चलें तो काला पानी जहां हमारी एक फौज की यूनिट है, फौज भी रहती है, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, उनका भी वहां पे पड़ाव है, तो ये नेपाल में पड़ता। तो पर खैर कभी वो उस बात का समाधान हुआ नहीं। और 2014 या 15 में जब मोदी जी वहां गए थे तो ये बात हुई थी कि विदेश सचिव के स्तर पर ये बातचीत की जाएगी। ये सुषमा स्वराज जी, हाँ सुषमा स्वराज जी जब विदेश मंत्री थी और वो जब गई थी तो तब ये तय हुआ था विदेश मंत्री के स्तर पर कि भाई ये मामला जो है इसको निपटाना चाहिए और विदेश सचिव के स्तर पर इसकी बातचीत हो। अब ये बातचीत दुर्भाग्य से वो हुई नहीं, विदेश सचिव जब मिले भी तो भी वो इस सब्जेक्ट को लेकर उन्होंने तो मतलब 1889 से लेके 1996 तक लगभग 117-120 साल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भारत और नेपाल की पोजीशन तकरीबन एक ही थी हमारी सीमा पर, वो भी वही एक्सेप्ट कर रहे थे मैप्स जो इंडिया एक्सेप्ट कर रहा था। 1996 से वो स्थिति बदली और पिछले करीब 25 साल में हम उस पर किसी बातचीत के जरिए किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए और अब ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। राकेश सूद साहब, एक बात आपने शुरू में कही थी कि कुछ वहां के प्राइम मिनिस्टर की डोमेस्टिक कंपल्शन हो सकती है पॉलिटिक्स की, कुछ भारत जैसे आप शुरू में कह रहे थे कि दूसरे छोटे राष्ट्र जो है हमारे साइज में उनको अपनी संप्रभुता या सॉवरेंटी के बारे में एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं वीसा भी इंडिया, हो सकता है दिल्ली की भी कुछ गलतियां रही हो, और एक ये चीन का जो एंगल फंसा हुआ है पूरे साउथ एशिया में वीसा भी इंडिया इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, इनमें से कौन सी ऐसी वजाहत है जो सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रही है इस मौजूदा नेपाल भारत काठमांडू दिल्ली सो कॉल्ड फेस ऑफ में? मुझे लगता है कि इसमें जो एक सॉवरेंटी की जो बात है ना वो सबसे ज्यादा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि नेपाल में जब भी उनकी अंदरूनी राजनीतिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर होती है या स्थिति थोड़ी सी अनस्टेबल होती है, जब उसमें थोड़ी सी अस्थिरता आती है, तो अब वो किसी न किसी को स्केपगोट बनाते हैं और वो अक्सर स्केपगोट बनाने के लिए जो अक्सर वो जो इस्तेमाल करते हैं स्केपगोट के लिए वो इंडिया है, क्योंकि सबसे नजदीकी रिश्ते हैं इंडिया के साथ और इंडिया का एक तरह से प्रभाव भी है, तो उससे ये होता है कि आसान हो जाता है इंडिया को ब्लेम करना। हमारे अड़ोस पड़ोस में चाहे चीन है चाहे पाकिस्तान है चाहे फिर हमारा बहुत नजदीकी भाई नेपाल है, पर इन इन सब की अंदरूनी प्रॉब्लम्स के विपिंग बॉय हम ही क्यों बन जाते भाई? अब लाजमी बात है आप ही बनेंगे, क्योंकि अब वो मलेशिया या इंडोनेशिया को तो ब्लेम नहीं करेंगे किसी चीज के लिए, ऑस्ट्रेलिया को तो नहीं करेंगे, तो उनके लिए सबसे जो सबसे ज्यादा जो नजदीक है और जो सबसे बड़ा लग रहा है, जो उनके एक तरह से जो उनके पॉलिटिकल होराइजन पे सबसे ज्यादा बड़ा दिखता है वो इंडिया है, तो वो ये, और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमने देखा है राजा के जमाने में भी, 1960 में भी, 1970 में भी, 1980 में भी, तो इसलिए ये कॉन्स्टेंट रहा है कि जब जब वहां की अंदरूनी राजनीतिक स्थिति में थोड़ी अस्थिरता बढ़ती है तो जो लीडर जो थोड़ी कमजोर स्थिति में है वो कहता है कि इंडिया हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है और इसलिए ये हो रहा है, और वो एक तरह से नेपाली नेशनलिज्म को आह्वान करता है उसका। और तो अब आप देखिए कि वही सिक्का जो एक तरफ नेपाली नेशनलिज्म
की मोहर लगी है, उसके दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उसके दूसरी तरफ एंटी इंडियनिज्म की मोहर आ गई है। अब ये है कि दो दिन पहले अखबारों में पढ़ रहा था मैं, बड़े प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक में, कि उत्तराखंड में लोग कह रहे हैं कि नेपाल के एफएम स्टेशन एंटी इंडिया सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं, जो वो लोग कैच कर रहे हैं। तो मतलब नेपाल में कमजोर पड़ा राजनीतिक नेता की तो बात समझ में आती है, लेकिन इससे तो कभी कभी ऐसा एहसास होता है जिसे ये एक पॉपुलर विल को तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा कि हमने कुछ अपने आप को ऐसे पोजीशन कर लिया है कि हम खलनायक की तरह नजर आने लगे हैं। अब कोशिश ये की जाती है उस समय के इंडिया को खलनायक दिखाया जाए। अब आज की तारीख में ये सोशल मीडिया और एफएम रेडियो, अब ये सब नए चीजें जो हैं, अब इनका ये जो प्रयोग है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनका ये प्रयोग जो है वो बहुत खतरनाक है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजों को हमको, और मैं बहुत अरसे से इसके बारे में लिख रहा हूं और कह रहा हूं कि हमको ये देखना चाहिए था कि एक तरह से वो जो काठमांडू में राजनीतिक स्तर के ऊपर इंडिया को व्हिपिंग बॉय बनाना या स्केप बोर्ड बनाना, वो तो एक बात है, वो तो निपट जाती है और उसके बाद ठीक हो जाता है। पर ये धीरे धीरे ये करते करते आज के जमाने में इससे एक नैरेटिव खड़ा होना शुरू हो जाता है, इससे एक लोगों के मन में धारणा बनती जाती है, और वो फिर ये धारणा अक्सर किसी रैशनल बेसिस पे नहीं बनती। ये कुछ थोड़ा सा सोचा, इमोटिव इशू, थोड़ा सा कुछ सोचा और फिर सोशल मीडिया में आपको पता है वो एको चेंबर बनते हैं और फिर ये सब कुछ होता है। सर, थोड़ी देर पहले आपने वाइसरॉय का जिक्र किया था, ब्रिटिश साम्राज्य के। कई लोग कहते थे, और मैं तो एक्चुअली कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता जो कि राष्ट्रहित के विपरीत लगे, लेकिन कई लोगों का कहना है कि भारतीय एम्बेसडर्स भी वाइसरॉय की तरह एक जमाने में बिहेव किया करते थे नेपाल में, उसका भी कुछ ये नतीजा है। देखिए, सवाल यह है कि नेपाल और इंडिया के जैसे रिश्ते थे, अब वहां पर यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो भारतीय राजदूत है उसकी काफी अच्छी पहुंच है, और पर अगर आप ये कहें कि वो वाइसरॉय की तरह बिहेव करते हैं तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा कभी करते थे ज्यादती भी है और थोड़ा सा एग्जैजरेशन भी है, क्योंकि एक बात है, जब ब्रिटिश इंडिया ने, देखिए अब आप एक ऐतिहासिक तौर पे अगर आप देखें तो आप समझेंगे कि ब्रिटिश इंडिया ने जो संधि की थी, जो समझौता किया था नेपाल के साथ, ब्रिटिश इंडिया वॉज अ सुपर पावर ऑफ द टाइम। कहा जाता था कि द सन डज नॉट सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है ना। तो उस वक्त इंग्लैंड से लेकर कहां कहां तक उनकी कॉलोनीज थी, उस ब्रिटिश इंडिया ने एक संधि की, एक ट्रीटी हुई उनकी। जब हम इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, वो सारी जिम्मेवारियां और वो सारी ट्रीटीज की जो जिम्मेवारियां थी वो हम पे आई, और नेपाल भी चाहता था कि हम वो जिम्मेवारियां लें। हालांकि आज की तारीख में उन्होंने अपना इतिहास एक तरह से बदल लिया है, अब वो ये कहेंगे नहीं, पर असलियत ये है कि उस समय जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, तो 1949 में जब चाइना में माओइस्ट रेवोल्यूशन हुई तो नेपाल एक मोनार्की था, और जब उन्होंने देखा कि चाइना में, उनके नॉर्थ में माओइस्ट रेवोल्यूशन हो रही है और नेपाल, चाइना ने आकर तिब्बत को काबू कर लिया, तो आप समझ सकते हैं कि जो उनकी रूलिंग क्लास थी वो नर्वस हो रही थी। वो चाहते थे, और इसीलिए हमने 1950 की जो हमारी शांति और मित्रता की जो ट्रीटी है, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी, वो 1950 में हमने जो ब्रिटिश इंडिया की जो जिम्मेवारियां थी वो सब हमने एक्सेप्ट की। ओपन बॉर्डर था उसमें और कई सारी और चीजें जो मैंने आपसे जिक्र किया वो सब उसमें थी। अब सवाल ये है कि हम तो ना उस समय सुपर पावर थे ना अभी तक बन पाए हैं, तो पर जिम्मेवारियां ली, तो इसलिए शायद ये कुछ लोगों को नेपाल में जरूर लगा होगा कि कुछ समय
पता नहीं कि कुछ लोग शायद ऐसे एम्बेसडर हों जो इन्होंने अपने आप को वाइसरॉय की तरह समझा हो या नहीं समझा हो, पर ये इसके अंदर वही बात आ जाती है कि वो अगर छोटा मुल्क है तो आपको उसके उनकी एक खास असामान्य किस्म की संवेदनशीलता होती है संप्रभुता के प्रति, और बड़े मुल्क के नाते मैं समझता हूं कि ये भारत के लिए और भारत के किसी भी राजदूत के लिए और भारत के किसी भी पॉलिटिकल लीडर जो वहां जाते हैं उनके लिए ये अनिवार्य है। इसीलिए शायद इसके ऊपर इसीलिए शायद इस मौजूदा विवाद पे अब तक भारत का रुख बहुत ही संतुलित और बात को संभालने जैसा रहा है पिछले 15-20 दिन में, कि भाई जो भी जिसकी भी गलती हुई हो लेकिन और बात नहीं बिगड़े, कम से कम भारत नेपाल को यह संदेश देना चाहता है कि भाई हम आपसे हर स्थिति में मित्रता चाहते हैं। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि मैं आपको एम्बेरस नहीं करना चाहता, बट आई थिंक आप वन ऑफ द सबसे सुलझे स्ट्रेटेजिक सोच वाले डिप्लोमैट्स हैं जिनको कम से कम मैं जानता हूं और बहुत की असाइनमेंट्स आप रह चुके हैं। अब नेपाल से हमारा ऐतिहासिक दोस्ताना रिश्ता एक बात है, एक उसकी जो स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिकल पोजीशन है और चीन से जैसे हमारी एक रिश्ते हैं उसमें अब हम यहां से आगे कैसे बढ़े, व्हाट इज द वे आउट ऑफ दिस व्हाट लुक्स लाइक क्वाइट अ मेस। हाँ, तो जैसा जो मैं आपसे कह रहा था कि ये तो कल तक की स्थिति थी, अब आज की स्थिति, आज से मेरा मतलब सिर्फ आज नहीं पिछले कुछ सालों में, खासतौर पे मैं कहूंगा जब से नेपाल में एक प्रजातंत्र एस्टेब्लिश हुआ 2008 में, जाकर मोनार्की जो है वो उसको एबॉलिश किया गया, उसको समाप्त किया गया और नेपाल का नया संविधान जो था उसके अनुसार अब नेपाल एक रिपब्लिक है, प्रजातंत्र। अब तो अगर हम देखें तो उस तरह से तो पिछले करीब 7-8 साल में मैं कहूंगा कि वहां पर चीन का प्रभाव बड़ा है, कुछ हद तक तो लाजमी था क्योंकि अब चीन अगर दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है तो चीन का प्रभाव हमारे देश में भी बड़ा है। हम आप किसी भी मार्केट में जाएंगे तो आपको मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और फिर जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी रेलेवेंट हुई है नेपाल में, पावर में आई है, ऐसा वो भी फर्क पड़ा। हालांकि मैं कम्युनिस्ट पार्टी के उस मुद्दे पे इतना गौर नहीं करता हूँ क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी तो काफी अरसे से है और माओइस्ट पार्टी भी थी, पर जब माओइस्ट पार्टी अंडरग्राउंड थी तो उनका एक भी लीडर शरण मांगने चीन नहीं गया था, वो सबके सब हिंदुस्तान ही आए थे। जी, क्योंकि उस समय चीन जो था वो राजा का साथ दे रहा था। चीन का बड़ा सीधी सी उस वक्त पॉलिसी थी कि उनको जो भी अपना काम करवाना होता था वो डायरेक्टली पैलेस के थ्रू या राजा के थ्रू करवाते थे, तो इसलिए वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ज्यादा कोई उनका लेन देन नहीं होता था। अब जब राजा की पोजीशन ही समाप्त हो गई और नेपाल एक प्रजातंत्र बन गया, तो अब लाजमी बात है कि चाइना को नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अपने रिश्ते बनाने पड़े, और उन्होंने नेचुरली जब आप रिश्ते बनाएंगे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ तो आप माओइस्ट पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ पहले बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल एफिनिटी तो है कहने के लिए। तो इसलिए अब चीन का प्रभाव वहां पर ज्यादा दिखता है। और दूसरी बात यह है कि जो अब उनके प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, वो केपी ओली जी के साथ हमारे रिश्ते जो थे वो काफी खटाई में आ गए 2015 में, और 2015 से वो रिश्ते पूरी तरह से हम उनको एक तरह से सुधार नहीं पाए। और तो इसलिए अब ठीक है, एक स्थिति है, वो वहां के प्रधानमंत्री हैं, वो चुनाव जीते हैं और बहुत जमकर अच्छी तरह से जीते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, और वहां पे कम्युनिस्ट माओइस्ट पार्टी का उन्होंने इंटीग्रेशन भी कर दिया है तो उनकी स्थिति और सुदृढ़ हो गई है।
पर यह था कि पिछले कुछ महीने से उनकी स्थिति थोड़ी सी डावाडोल हो रही थी, उनकी पार्टी में कुछ तोड़फोड़ की बात हो रही थी, स्प्लिट की बात हो रही थी, और वो इस बारे में लेकर काफी चिंतित थे, नर्वस थे। अप्रैल के महीने में उन्होंने पार्टी की ये जो स्प्लिट होने की बात थी उसको एक तरह से रोकने के लिए कुछ ऑर्डिनेंस भी निकाले। ऑर्डिनेंस के ऊपर उनके यहाँ बहुत विरोध हुआ, और वो ऑर्डिनेंस निकालने के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर उनको ऑर्डिनेंस वापस लेने पड़े। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है तो वहां पर सेंट्रल कमिटी के अंदर खलबली हो रही थी, और उसमें यह था कि एक दबाव डाला जाए कि कोई भी लीडर दो पोस्ट ऑक्यूपाई नहीं करेगा, यानी इस समय ओली जी प्रधानमंत्री भी हैं और को चेयर भी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के को चेयर। तो एक तरह से उनके ऊपर ये दबाव भी था कि दो पोस्ट ऑक्यूपाई नहीं होंगी, और वो संशोधन लाना चाहते थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की सेंट्रल कमिटी में उनके खिलाफ। अब ये सारी ये उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी। अब जब ये नक्शे का मुद्दा हुआ और उन्होंने कहा कि मैं तो नेपाल की जो टेरिटरी है जो हमारे पुरखों के जमाने से है वो मैं वापस लेकर अपने नेपाल की मैप के अंदर दिखाऊंगा, तो फिर लाजमी बात है कि सबके सब इकट्ठे हो गए। तो ओली साहब ने तो अपनी गद्दी सुरक्षित कर ली तथाकथित हिस्टोरिकल रॉन्ग को अवेंज करके, उसका हिसाब सही करके। हम क्या करें अब देखिए, अब इसके अंदर अब अगर हमको सेंसिटिव था, अगर हमको अगर हम ये सोचें कि भाई उस समय उनकी स्थिति गड़बड़ हो रही है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि 8 मई को जब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उस सड़क का उद्घाटन किया तो उन्होंने उसका एक प्रोवोकेशन मानकर ये क्लेम शुरू कर दिया। उसके बाद जब हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि शायद नेपाल ये किसी और के कहने से कर रहा है, उनका इशारा साफ साफ चीन की तरफ था, तब तक चीन के साथ हमारा बॉर्डर जो था वो थोड़ी सी गर्माहट में पहुंच रहा था, तो नेपाल को और वो और भड़क गए। तो अब और उसके बाद उन्होंने वो आगे आगे वो जिसको कहते हैं ब्रिंकमैनशिप, एक तरह से ये ब्रिंकमैनशिप करते 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 अब इस मोड़ पे आ गए कि अब पीछे हटना नेपाल के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि अब उन्होंने संविधान का संशोधन कर दिया। तो अब मामला जो है अब एक तरह से हमको कठिनाई तो है, इसको सुलझाने का कोई आसान तरीका नहीं है, क्योंकि अब इसके अंदर जो अधिकारी अगर विदेश सचिव बैठकर मिलेंगे और बात करेंगे तो वो क्या बात करेंगे। नेपाल का विदेश सचिव अपना नक्शा नहीं बदल सकता, ना उसके पास वो अधिकार है, और भारत का विदेश सचिव भारत का नक्शा नहीं बदल सकता, ना उसके पास वो अधिकार है। तो इसलिए अब ये बातचीत जो है इसका स्तर जो है वो एक ऊंचा स्तर राजनीतिक स्तर ही होगा, पर उससे पहले ये आवश्यक है कि दोनों तरफ से लोग थोड़ा सा मामला ठंडा करें और ये सोचें कि हमको लॉन्ग टर्म में इस किस्म के रिश्ते चाहिए एक दूसरे के साथ। अगर हम ओपन बॉर्डर चाहते हैं तो क्या हम टेरिटोरियल डिस्प्यूट अफोर्ड कर सकते हैं? और ये मुझे लगता है कि दोनों तरफ दोनों देशों के लोगों को सीरियसली इसके बारे में आपस में अंदर पहले एक विचार करना पड़ेगा। और जहां तक चीन का प्रभाव है, चीन का प्रभाव तो रहेगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। चीन ग्रो कर रहा है और जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा है उसकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ रही है, वो हम देख रहे हैं, और सब जगह बढ़ रही है, ये नहीं कि सिर्फ नेपाल में ही बढ़ रही हो, एशिया पैसिफिक पूरे रीजन में बढ़ रही है, और उसके ऊपर मतलब और भी लोगों की टिप्पणियां, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उन्होंने शुरू किया है, नेपाल उसका हिस्सा है, बांग्लादेश उसका हिस्सा है, श्रीलंका उसका हिस्सा है, भारत नहीं है, पाकिस्तान उसका हिस्सा है। खैर मैं पाकिस्तान को तो एक अलग कैटेगरी में रखता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के रिश्ते खास और बहुत ही अलग हैं और स्ट्रेटेजिक हैं। पर सवाल यह है कि अब चीन का इन्फ्लुएंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा,
और अगर हम ये सोचें कि हम नेपाल को ये कह दें कि भाई तुम अपना चीन के साथ रिलेशनशिप बंद कर दो, तो वो तो होगा नहीं। जैसे अगर चीन हमको कहे कि इंडिया अमेरिका के साथ रिलेशनशिप बंद कर दे, तो हम चीन को तो वीटो पावर नहीं देंगे ना। तो उसी तरह नेपाल हमको वीटो पावर नहीं देगा कि उसकी फॉरेन पॉलिसी के मुद्दों के ऊपर इंडिया का वीटो पावर, तो वो तो हमको मान के चलना पड़ेगा और हमको एक संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी नेपाल के प्रति, और उसके बिना बातचीत जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। पर पहला काम तो ये है कि एक तरह से पॉज बटन दबाया जाए, मामला थोड़ा सा शांत किया जाए, हम लोग भी आप अंदर बैठकर पहले आपस में विचार करें कि हमको नेपाल के साथ किस किस्म का रिश्ता चाहिए अगले 30-40-50 साल के लिए। नेपाल की राजनीतिक दलों को भी ये चाहिए। आपने देखा होगा, आप ये संविधान का संशोधन पारित करने के बाद नेपाल के कई पॉलिटिकल लीडर या कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, माधव नेपाल भूतपूर्व प्रधानमंत्री, प्रचंड भूतपूर्व लीडर प्रधानमंत्री, नेपाली कांग्रेस, सबने कहना शुरू कर दिया कि आप भारत के साथ डायलॉग करना अनिवार्य है, क्योंकि सबको लगा कि शायद ये नहीं होना चाहिए कि हमारा जो भारत के साथ इस वजह से कोई रिश्ता ही वो बहुत खतरे में पड़ जाए। बिल्कुल सही बात है सर, शायद से जो भी वो सोच रहे हो वो है, बिल्कुल चीन की गोद में थोड़ी जाना चाहेंगे। नहीं नहीं, वो देखिए अभी वो तो संभव नहीं, ऐसा तो हाँ मुश्किल है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया जो उनके भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नाम आप गिन लीजिए, शेर बहादुर, पुष्प कमल, माधव नेपाल, झालानाथ, ये नाम आपको हिंदुस्तानी नाम दिखते हैं ना, इनमें से कोई चाइनीज नाम तो मिला नहीं। तो इसलिए एक तरह से पर अब हमको उस रिलेशनशिप के लिए ये समझना पड़ेगा कि अब इस के चाइना एक रोल प्ले कर रहा है और चाइना हमारे से ये अब चाइना हमारे से कहीं ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, और वो जो जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग और ये सब कोऑपरेशन प्रोजेक्ट है वो करना चाह रहा है नेपाल में, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा कि हम तो प्रोजेक्ट, अब आप ये सड़क ही ले लीजिए जो राजनाथ सिंह जी ने जिसका उद्घाटन किया, ये सड़क बनते बनते 80 किलोमीटर की सड़क, इसको बनते बनते 10 साल लग गए। जब ये बन रही थी तब नेपाल ने कभी इसका कोई विरोध नहीं किया। अगर उनको ये था कि भाई ये सड़क नेपाल की टेरिटरी में बन रही है, तो वो हमसे कहते हैं उस समय कि जी आप क्या कहां सड़क बना रहे हैं, इसको रोकिए, आप दूसरी तरफ जाकर बनाइए। तब तो उन्होंने कहा नहीं सर। नेपाल और भारत इसीलिए तो इतने नजदीक रहे कि सोचने का और रिएक्शन में भी दोनों बराबर का वक्त लेते हैं। तो अब इसलिए अब ये इसके अंदर वक्त लगेगा, और पर इस वक्त के साथ साथ हम वो वक्त जो है वो हमको उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, सही इस्तेमाल करना चाहिए सर। अब जैसे आपने जी कहा, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और फिर उसके बाद एक संवेदनशीलता के साथ आपस में बातचीत करनी चाहिए। तो सर अगर मैं आपकी बात को आगे हम क्या करें उसको समराइज करके यहाँ पे समाप्त करूं हमारी बातचीत को, तो आप कह रहे हैं कि संवेदनशीलता और इंट्रोस्पेक्शन तो वैसे भी भारतीय डिप्लोमेसी के दो बड़े झंडे हैं जिनको हमें हमेशा उठा के चलना ही चाहिए, यू नो। और मैं ये बात तंज में नहीं कह रहा, बिल्कुल तंज में नहीं कह रहा सर, बिल्कुल यथार्थ की बात है। हमारे नेबरहुड में तो हमें बहुत सेंसिटिव रहना ही चाहिए, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, ऑल इज नॉट लॉस्ट, बट बड़ी कठिन है डगर पनघट की, ऐसा भी लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड, जिस तरह से उन्होंने एक तरह से हमें फेट अकम्प्लाई प्रेजेंट कर दिया है। तो सर आपने अपनी विद्वता से जो प्रकाश डाला है इस पूरे मुद्दे पर, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर। आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू, एंड इट वॉज सच अ प्लेजर एंड प्रिविलेज स्पीकिंग टू यू सर। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू।